मैं स्वरा को स्कूल ड्रॉप करूंगा, शाम तक वहीं रहूंगा, फिर अपने साथ वापस ले आऊंगा। मैं भी आती हूँ। तुम स्वरा को लेके गाड़ी में बैठो, मैं आता हूं। स्वरा? देख मम्मी, मेरे पीछे कुछ मत करना प्लीज। पुलिस को तो बिल्कुल इन्वॉल्व मत करना। मैं दुश्मन नहीं हूं तेरी, और किसी और से कुछ कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वो मैं देख लूंगा। आपके कारण मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। आपने तो कहा था कि सीधा साधा काम है, पर ये टीवी वाले पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में। मेरी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है सर। सर, ये रिपोर्टर्स मेरा पीछा कर रहे हैं, पता नहीं मेरे बारे में छानबीन कर रहे हैं सर। तो क्या हुआ, फिल्म में फेमस तो हो गई, उसमें प्रॉब्लम क्या है? करने दे, तुझे कुछ नहीं होगा। पैसे मिले ना और दूंगा। सर, पैसे की बात नहीं है सर, मुझे ये काम करना ही नहीं है। इस चक्कर से मुझे निकलना है सर। इस चक्कर से तुझे कब निकलना है ये मैं डिसाइड करूंगा। जब तक मैं ना कहूं ये नाटक चालू रख। आइंदा मुझे कॉल मत करना और ना तेरी शक्ल दिखाना। मुझे जब जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद कॉन्टेक्ट करूंगा। यहां तुझे मेरे साथ किसी ने देख लिया तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। चल निकल। नाचने का डर रखा? नहीं आया, बाद में भिजवाता हूँ। भले। पुष्पा जी, उस दिन आपने अपने घर पर मुझे मस्त कड़क वाली चाय पिलाई थी, है कि नहीं? तो आज शाम की चाय मेरे घर पर। अब मुझे भी तो आपकी खातिरदारी करने का मौका दें प्लीज। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं पुष्पा जी, आपकी वजह से मुझे घर मिला है, अब इतना तो करने दें प्लीज। मना मत कीजिएगा पापा। हाँ अब जा, अकल आपो जे। यस। ये आपका बेटा है? हाँ। आप दोनों भी आइए ना पुष्पा जी के साथ घर पर चाय पीने, इसी बहाने आप दोनों से अच्छे से जान पहचान हो जाएगी। अब प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। ठीक है, हम सभी आएंगे। थैंक यू, चलता हूँ। जा तू अंदर जा। हाँ ओके। पुष्पा ने तो नहीं देखा था मुझे, फिर भी सेफ्टी के लिए इस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। कब से देख रहा हूं तो कुछ टेंशन में, क्या बात है? देख मम्मी, मेरे पीछे कुछ मत करना, किसी और से कुछ कहने या पूछने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है वो मैं देख लूंगा। बापूजरा को लेकर जरा टेंशन है, सुजाता वाला मैटर है। तो स्कूल से वापस आ गए? चलो पापा को बोल दो कि अब स्वरा का खेलने का टाइम हुआ है और वो मेरे साथ खेलेगी। क्यों?
पापा, मैं समुद्र के साथ खेलूं? ठीक है बेटा, लेकिन जॉल से बाहर मत जाना, ओके? ओके। डोंट वरी अश्वन, मेरा ध्यान रहेगा उस पर। तो बताओ क्या खेलेंगे? कैरम? लेट्स गो। आपके कारण मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई है सर। सर आपने तो कहा था कि सीधा साधा काम है। मेरी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है सर। सर ये न्यूज़ वाले मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं सर। मेरे बारे में छानबीन कर रहे हैं। तो क्या हुआ? फिल्म में फेमस तो हो गई? कुछ नहीं होगा। पैसे मिले ना, और भी दूंगा। चक्ताब ने आपको बदनाम करने के लिए ही इसे प्लांट किया था। ये सबूत काफी होगा आपको निर्दोष साबित करने के लिए। चलिए पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं जुगल, बापोद्रा की बेइज्जती पब्लिक के सामने हुई थी। पुलिस स्टेशन जाएंगे तो मामला दब जाएगा। अब जो होगा खुलेआम होगा। महेंद्र, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। पुलिस स्टेशन? क्यों, क्या हो गया? मैंने कल नहीं, अब भी करना पड़ेगा। हाँ, यही बापूजरा छोल में रहता है। अभी के अभी बाहर फिल्म लगा। और ध्यान से सुन, अभी काम हो जाना चाहिए। होशियारी। अरे शोभा, ये अच्छा लगा तुझे यहाँ देखकर। आज चाट होगा? काकू, मैं चाय पीने नहीं आई हूँ। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि विक्रम अच्छा लड़का है। वो तो है। आप उसे अपना बेटा मानती है। वो आपकी सब चाल वालों की बहुत मदद करता है। वो भी सब बराबर है। शोभा, क्या बात है? लेकिन वो अब सब बहुत हुआ काकू। अब आसावरी अकेली है। विक्रम जब देखो उसके आसपास मंडराता रहता है। ठीक नहीं है काकू। ये तू क्या कह रही है शोभा? सरन प्रोफेशनल काउंसलर है शोभा, आसावरी की मदद कर रहा है। लेकिन हमें उसकी मदद की जरूरत नहीं है काकू। हम अपना देख लेंगे। जब देखो हमारे घर आता रहता है वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शोभा, इससे पहले कि जैसे पुष्पा और जुगल की चर्चा हो रही थी, आगे जाके विक्रम और आसावरी की चर्चा हो, ये बंद होना चाहिए। देख शोभा काकू, अब उसे बोल दीजिए कि वो हमारे घर पे ना आए और आसावरी से मिलने की कोशिश भी ना करे। तो ये गलत समझ रही है शोभा। बस काकू, मैं इतना ही कहने आई थी आपको। काय भलतस, अरे प्रभु। चल। सुजाता, ये यहाँ क्या कर रही है? नरहरी बापोतर जी का घर किधर है? मुझे उनकी वाइफ से मिलना है। क्यों, हुआ क्या? आप जल्दी बताइए ना, आप ही मुझे ले चलिए उनके घर प्लीज। भले भले, आइए। सुशीला,
नरहरी मुझसे शादी करने जा रहे और आप मान गई इस हालत में पति के बिना कैसे चलेगा आपका संसार और बच्चा कैसे पलेगा बिना बाप के। तुम भी तो पेट से हो, तुम्हारे साथ भी तो नाइंसाफी हुई है ना। अब समय आ गया उन्हें अपनी गलती सुधारने का और तुम भी तो मेरे बारे में सोच रही हो, मेरे बारे में, मेरे बच्चे के बारे में, तो मैं भी तो सोचूंगी ना तुम्हारे बारे में। मैं तो जैसे तैसे उनके बगैर अपना जीवन बिता लूंगी। नहीं नहीं सुशीला जी, आप क्या बोल रही हैं? ठीक तो कह रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ। तुम कोई बीच का रास्ता निकालती हो? हम तीनों साथ में रहेंगे, मैं, तुम और वो। मैं बिल्कुल बड़ी बहन की तरह तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम दोनों के बीच में भी नहीं आऊंगी, हम तीनों इसी घर में रहेंगे, ठीक है? नहीं नहीं ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये सुशीला जी नहीं हो सकता। समझ क्यों नहीं रही है, मैं नहीं कर सकती नरहरी से शादी। इसे कहते हैं असली जुगाड़ बापोतरा जी। बहुत बढ़िया, तेरे दिमाग में ऐसे आइडिया आते किधर से? वाह, तेरी मां सच में दुनिया की आठवीं अजाइबी है। सुजाता का चेहरा देखने लायक होगा। मैं ना सुशीला को भी समझा देती हूँ प्लान के बारे में, तुम लोग निकलो। चल 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 चल। अरे वाह सुजू, तो इधर आ गई, बहुत अच्छा किया, सब समय सर हो रहा है। चल सुजू नीचे चले, चिराग पंडित जी को लेकर आता ही होगा, पूरी चाल के सामने धाम धूम से शादी करेंगे, टेंशन मत लेना। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।